पूर्वी जिला दिल्ली पुलिस ने एक शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक आर्टिगा कार समेत अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। आरोपी का नाम दीपक मीना है। गिरफ्तार अपराधी दीपक दिल्ली के पांडव नगर इलाके का रहने वाला है। पूर्वी जिले की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पुलिस को पांडव नगर में एक गोदाम में अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिली थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक टीम बनाई, जिसके बाद मंडावली में उस दुकान पर छापा मारा जहां से 96 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मानक पनीर भंडार के नाम से दुकान चलाता है और रात में अवैध शराब की बिक्री करता है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 23 कार्टन अवैध शराब बरामद की। इसके अलावा एक अर्टिगा कार को भी बरामद किया है, जो शराब की सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 1246 अवैध क्वार्टर शराब बरामद की है। जांच के दौरान पता चला है कि दीपक मीना का सगा भाई योगेश मीना और उसका भतीजा अनुज भी उसके सहयोगी हैं, जो दीपक द्वारा बेची जा रही अवैध शराब की व्यवस्था करते हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली से न्यूज चैनल सूरज की रोशनी के लिए रिजवान खान के साथ NM फरीदी की रिपोर्ट।